नमस्कार दोस्तों, जस्ट टोटो से नवीन शर्मा। आज एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। आज हमारा मैकेनिकल क्लासरूम में लड़के जो थ्योरी सीख के आए हैं वो प्रैक्टिकल में है, तो प्रैक्टिकल का थोड़ा सा डेमो कि किस तरह से सिखाया जाता है और प्रैक्टिकल गाड़ियों पे कैसे सिखाया जाता है और लड़के किस तरह से सीख रहे हैं, हमारा कंसेप्ट सिखाने का कैसा है, तो थोड़ा सा बात करते हैं सभी स्टूडेंट से। आइए मैं दिखाता हूँ। ये जस्ट टोटो का वर्कशॉप है जहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलता है, स्पेशियस जगह। आइए, ये यहाँ पर इन्होंने जो भी इंजन का जो खोला है वो रखा है, फिर अपन इनसे पूछेंगे क्या क्या है ये। और केवल बेल्ट वाले आते हैं, और बेल्ट वाला और चेन वाला भी आता है, और गियर वाला भी टाइमिंग आता है। तो गियर वाले टाइमिंग को कैसे सेट कर सकते हैं, चेन वाले टाइमिंग को कैसे सेट कर सकते हैं, बेल्ट वाले को कैसे सेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ आपको सिखाएंगे, बराबर। तो अभी फिलहाल आप ये चेन वाला देख लीजिए। यहाँ पे ये इनलेट का कैमशाफ्ट है, तो इनलेट के कैमशाफ्ट के अंदर आप देखिए यहाँ पे मार्किंग लगा हुआ है, बराबर। तो ये एक येलो कलर में है, यहाँ पे मार्किंग है, उसके साथ येलो कलर अपने को मैच करना है, बराबर। वैसे क्रैंक का नीचे की साइड में ब्लैक कलर का है, जैसे येलो कलर है ना, क्रैंक का ब्लैक कलर का रहेगा, वो वहाँ पे मैच करना है। फिर ये अपना है टाइमिंग चेन का टेस्टनर। ये क्या करता है, ऑयल प्रेशर यहाँ से अंदर जाता है, ऑयल प्रेशर जाता है तो पिस्टन के कैसे फ्रंट की साइड आगे आता है, तो जितना चेन को टाइट करने की ज़रूरत है उतना ये अपने आप ऑयल प्रेशर से टाइट हो जाएगा। इसका टाइमिंग सेट को कैसे, बेल्ट को जैसे आप मैन्युअली टाइट करते हो वैसे इसमें चेन को मैन्युअली टाइट नहीं करना है। एक मिनट ले लेते हैं जगदीश भाई। हाँ बोलिए सर, आइए, वेलकम। तो ये हमारी क्लास है, आज कौन सा दिन है क्लास का? 10 दिन। आज तारीख क्या हो गई? 9 तारीख है ना आज, तो 9वां दिन है। आज 9 दिन हुए हैं और फुल डे। कितने सुबह कितने बजे क्लास चालू हो जाती है आप लोगों की? सर वैसे तो 9:30 बजे होती है, लेकिन आज की क्लास सुबह से 7 बजे हुई। 7 बजे चालू हुई, कारण? तो थोड़ा वो मतलब डाउट था, वो क्लियर करने का था। तो जो अपना क्लासरूम में जो अभ्यासक्रम जो कोर्स बना उसे हिसाब से आगे चल रहा है, तो कुछ डाउट रह जाते हैं कोई बच्चा। तो मतलब आज सुबह 7 बजे आप लोग आ चुके हैं? हाँ। 7 दिन हुए हैं, इससे पहले आप मैकेनिक थे? जीरो लेवल। क्या करते थे? टेलर का काम करते थे। ठीक है, कुणाल पहले वापस रिवीजन के अंदर है, रिवीजन है ना, और तुम्हारा भी 9वां दिन है ना। इससे पहले तुमने क्या सीखा? वायरिंग का कोर्स कंप्लीट हो गया। मतलब इसमें 2 लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, 3 लोग ऐसे फ्रेशर तो सभी हैं जिन्होंने पहले कभी मैकेनिकल नहीं किया है और यहीं आके सीखा है। कुछ लोगों ने ECM सीखा है, किसी ने वायरिंग पहले कर चुके हैं, कुछ यहीं से मैकेनिकल चालू कर रहे हैं। तो ये आपने क्या आज का टॉपिक क्या चल रहा है? एक मिनट, मैं बच्चों से ही पूछूंगा आप में से कि आज काय का टॉपिक चल रहा है। टाइमिंग बेल्ट सेटिंग का चल रहा है। तो आपने ये सारा सामान खोला है, तो मतलब प्रैक्टिकल आपको ऊपर इंजन है, क्लासरूम में भी इंजन हमारे पास पड़े हैं, बहुत पड़े हैं। गाड़ियाँ, कितनी गाड़ियाँ अपने पास जो रनिंग चालू कंडीशन पे जिस पे आप काम करते हो? पीछे कितनी खड़ी है? पीछे चार गाड़ी खड़ी है। कौन कौन सी? इनोवा, जीनियो, एस्कोडा, फोर्ड, और ऊपर पड़ी है i10 2017 क्लासरूम में। तो अपन उन गाड़ियों पे तो करते ही करते हैं और इन गाड़ियों पे भी प्रैक्टिकल करते हैं। मतलब आप जो प्रैक्टिकल करते हो, ये जो लोग प्रैक्टिकल करते हैं वो गाड़ियों पे करते हैं, रनिंग गाड़ियों पे करते हैं, और गाड़ी को स्टार्ट करके भी देखोगे, चला के भी देखोगे प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है। आप ये देखिए, इसको ये अभी खोला हुआ है, सब में ऑयल वगैरह लगा हुआ है, आके इंजन दिखा दो एक बार। नीचे से भी सर खोला है? अच्छा, नीचे से भी खोला है। ऑयल स्टनर का वो सब जानकारी के लिए, ओके। और ऑयल प्रेशर का भी, मतलब कूलिंग सिस्टम और ऑयल लुब्रिकेंट सिस्टम दोनों। अच्छा, 7 दिन में आपने अभी तक क्या क्या सीखा? अभी 7 डेज जो 9 दिन रहे, सॉरी, जिसमें एक संडे रहा, तो इन दिनों में आपने क्या क्या सीखा है?
इंटेक का सीखा, एग्जॉस्ट सीखा, इंटेक कूलिंग सिस्टम, एग्जॉस्ट कूलिंग सिस्टम का पूरा सीख लिया, कूलिंग सिस्टम सीख लिया, और अपना इंजेक्शन सिस्टम सीख लिया, इंजेक्शन सिस्टम सीख लिया, प्लग का जानकारी हो गया, प्लग का जानकारी हो गया, कोयल का जानकारी हो गया, कोयल का जानकारी हो गया। ओके, 7 दिन में ये सब चीजें क्यों? क्योंकि आप सुबह से लेके शाम तक प्रैक्टिकल करते हैं और माहौल हैप्पी माहौल में करते हैं या प्रेशर में करते हैं? कल ये भाई ये पहली बार इंजन में लगे हुए थे, कल इसने चैम्बर वगैरह सब खोला, उसने खुद नहीं खोला है, लेकिन प्रैक्टिकल का सर समय 5 बजे अपना खत्म हो जाता है, फिर भी ये कितने बजे तक लगा था उनको ही? कितने बजे तक रहे आप? 7:30 बजे तक। 7:30 बजे साथ में ही थे ना? तो प्रैक्टिकल तो ये जस्ट ऑटो का एक मैकेनिकल क्लासरूम का हमने सिर्फ, मैं नीचे आया और देखा ये काम कर रहे हैं, सभी लोग अलग अलग क्लास में रहे। एक नई गाड़ी है, निशान की गाड़ी है, निशान का इंजन है और निशान के इंजन पे ये लोग काम कर रहे हैं। ये जब टाइमिंग चेन सीख रहे हैं, आज का टॉपिक टाइमिंग, इसका टाइमिंग चेन ही बनाना है ना, चेंज करना है इसका गाड़ी में? नहीं सर, इसमें तो हेड ओपनिंग का काम आया है, लेकिन इसमें क्या है, मैं खुलवा के इन लोगों से खुलवा के टाइमिंग का सिस्टम सब सारा, हेड का भी काम आया है और साथ में ये टाइमिंग को भी चेक करेंगे, और हेड का काम भी आज ये 8वें दिन 9वें दिन गाड़ी का हेड बनाना भी सीखेंगे। तो आप सोचिए 30 दिन, अभी तो इनके पास 30 दिन और है, इसमें कितनी गाड़ियाँ बनाएंगे और हर गाड़ी पे प्रैक्टिकली फुली नॉलेज पे काम करेंगे। चलिए कंटिन्यू, अलग अलग दिशाओं से आए हुए हो, फोकस करो, बाकी सब बढ़िया। जगदीश भाई हैं ऊपर, जोशी जी आपकी क्लास लेते हैं, जगदीश भाई प्रैक्टिकल में है, धर्मेश भाई आपके पास प्रैक्टिकल में है, और कौन है, जय भी आपको हेल्प कर रहा है, और चाचा है, और अपने कासिम भाई हैं। चलिए ये प्रैक्टिकल क्लास है, आप कंटिन्यू कीजिए। प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं है कि आप लोग केवल पुराने जो हमारे पास इंजन क्लासरूम में पढ़े उस पर ही काम कराते हैं, उसी से हेड बनवाते हैं, उसी से चीज़ें करते हैं, हर चीज़। देखिए ये प्लग हैं, जगदीश भाई क्या बेटा ये कोई मुझे बता दो, ये सब क्या क्या चीज़ें हैं? टेपिड कवर है, ये टेपिड कवर है, ये आपके क्या हो गए, कोयल हो गई, वो स्पार्क प्लग हो गए, और ये दोनों एयर फिल्टर, और ओके, तो मतलब हमने पूरी चीज़ों को प्रॉपर निकाला है और वापस फिट करेंगे, ठीक है। अब जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तब हम एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, रात तो मैं आके वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो जगदीश भैया आप लोग आपस में बनाना, ठीक है। जस्ट ऑटो का मैकेनिकल ट्रेनिंग कोर्स का एक छोटा सा बैच, हर बैच में, इस बैच में हमारे 4 लोग ही हैं, सॉरी 5 स्टूडेंट हैं, तो इसमें 5 स्टूडेंट हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 10 हैं, हर एक क्लासरूम सेपरेट है, हर एक फैकल्टी सेपरेट है, और हर एक के लिए अलग गाड़ियां हैं जिसके ऊपर वो काम करते हैं, तभी हम कम समय में पूरी मेहनत के साथ उसको ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद यदि वो कहीं फंसता है तो फ़ोन कॉल पर सपोर्ट करते हैं, जिसका हमारा ऊपर एक कॉल सेंटर बना हुआ है। इसी तरह के जस्ट ऑटो के वीडियोस क्लासरूम्स देखने के लिए वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।